जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो आइए एक बार हम नज़र डालते हैं आज के दिन भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। आज भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और काफ़ी ऐसे इवेंट्स है जहां पर हमको निराशा हाथ लगी है। खासकर पीवी सिंधु आज अपना सेमीफाइनल मुकाबला हार चुकी हैं, अब वो खेलेंगी ब्रॉन्ज मेडल का अपना मैच। तो आइए देखते हैं आज के पूरे दिन भारत के और दूसरे इवेंट्स में दूसरे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो देखिए, इक्वेस्ट्रियन में फवाद मिर्ज़ा इस बार भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं और फवाद पहली बार भारत की तरफ से इक्वेस्ट्रियन में भाग ले रहे हैं ओलंपिक्स में। इस हिसाब से उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है अभी तक। ओवरऑल वो 9th स्पॉट पर हैं आउट ऑफ 42 कम्पिटिटर्स। इसके बाद एक और निराशा की खबर तब आई जब भारत के आर्चर अतनु दास अपना 1/8 एलिमिनेशंस मैच, जो कि जापान के आर्चर टी फुरुकावा के खिलाफ था, वो 6-4 से हार गए सुबह सुबह ही आज। इसके बाद एक खुशी की खबर आई एथलेटिक्स से, जहां वुमेन्स डिस्कस थ्रो में हमारे दो एथलीट्स भाग ले रहे थे, सीमा पुनिया और कमलप्रीत कौर। तो सीमा पुनिया तो क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल्स के लिए, लेकिन कमलप्रीत कौर ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब वे 2 अगस्त को फाइनल खेलेंगी इसी वुमेन्स डिस्कस थ्रो इवेंट का। इसके बाद शूटिंग में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा इस बार के ओलंपिक में भारत का, आज भी कुछ अलग नहीं हुआ, आज भी वैसे ही जारी रहा। और भारत के दोनों शूटर्स तेजस्विनी सावंत और अंजुम मोदगिल वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजिशंस के फाइनल्स में क्वालिफाई करने में असमर्थ रहे। तेजस्विनी को ओवरऑल मिला 33rd स्पॉट और अंजुम मोदगिल का प्रदर्शन थोड़ा सा अच्छा था, वो आखिर तक 15th स्पॉट पे रहीं। इसके बाद आज बॉक्सिंग से एक निराशा की खबर आई जब भारत के ओलंपिक मेडल के दावेदार बॉक्सर अमित पंघाल अपना राउंड ऑफ 16 का मैच मार्टिनेज से हार गए, जो कि कोलंबिया के बॉक्सर हैं, और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था बॉक्सिंग में। इसके बाद भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम ने आज अपना डू और डाई मैच, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, वो 4-3 से जीत लिया है। अब भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम होप कर रही है कि अभी जो मैच हो रहा है आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का, अगर उसमें ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड को अच्छे मार्जिन से हरा दे तो भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम क्वालिफाई कर सकती है जो क्वार्टर फाइनल्स है उसके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की जो सबसे बड़ी दुख की खबर और निराशा की खबर आई वो आई वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल्स इवेंट से, जहां अपना सेमीफाइनल मैच हार चुकी हैं पीवी सिंधु, जो कि खेल रही थी टीवाई टाई के खिलाफ। और पीवी सिंधु सीधे सेटों में हारी आज का मैच 21-18, 21-12 से। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए अपना मैच खेलेंगी, हो सकता है मैच कल ही हो जाए क्योंकि फाइनल्स भी कल ही होने हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी कल ही हो सकता है। इसके बाद भारत के एम श्रीशंकर भाग ले रहे थे एथलेटिक्स में मैंस लॉन्ग जंप में, उनका ग्रुप था ग्रुप बी, और ग्रुप बी में वे 13वें नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने अपना खुद का जो पिछला रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है और कह सकते हैं कि अच्छा ही प्रदर्शन किया एम श्रीशंकर ने, लेकिन वे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसके बाद बॉक्सिंग में आज जो दूसरा झटका लगा हमको वो लगा वुमेन्स मिडिल वेट क्वार्टर फाइनल्स में, जहां पूजा रानी चाइना की क्यू ली के खिलाफ 0-5 से हार गई। इसके बाद मेंस की 49 ईयर में भारत की जोड़ी गणपति केलापांडा और वरुण ठक्कर की, उन्होंने अपना 10th, 11th और 12th रेस किया। तो 10th रेस में वरुण और केलापांडा की जोड़ी 10th स्पॉट पर रही और 11th रेस में 9th स्पॉट पर और 12th रेस में 14th स्पॉट पे रही। तो हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है 49 ईयर में भारत की जोड़ी ने। ओवरऑल वो लोग 17th रैंक में फिनिश कर पाए और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद गोल्फ में आज राउंड 3 हुए, जहां पे अनिर्बान लाहिरी अभी 28वें स्थान पर है राउंड 3 के बाद और उदयन माने 55वें स्थान पर हैं। तो यही थे कुछ आज के इवेंट्स। आज का दिन भारत के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, जो एकमात्र खुशी की खबर आई हम लोग कह सकते हैं वो आई वुमेन्स डिस्कस थ्रो में, जहां पे भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आशा करते हैं कमलप्रीत फाइनल्स में भी अच्छा प्रदर्शन करें। और हम ये भी आशा करते हैं कि भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम क्वालिफाई कर जाए क्वार्टर फाइनल्स के लिए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन अभी हरा दे आयरलैंड को। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। जय हिंद।